हेलो एवरीवन वेलकम टू टुडे सेशन जो कि पार्ट फोर्थ है सीरीज टेंसेस विद वॉइस का जिसमें आज हम पास्ट टेंस के रिमेनिंग टू पार्ट्स पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्कस करने वाले हैं सो लेट्स बिगिन विद पास्ट परफेक्ट टेंस जैसा कि इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है पास्ट टेंस द एक्शन कोई एक्शन जो कि पास्ट में परफेक्ट हुआ हो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो जिसे हम हिंदी में बिल्कुल हिंदी में बोलें तो कोई पास्ट में एक्शन हो चुका था कंप्लीट हो गया था तो इस तरह से जो एक्शन पास्ट में परफेक्ट हो जाएं, पास्ट में कंप्लीट हो जाएं, दे विल कम इन द कैटेगरी ऑफ दिस टेंस तो अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है यानी कि उस तरह के सेंटेंसेस जिसमें कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका था हो गया था उन्हें ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर ये टेंस प्रोवाइड करवाएगा और जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो जैसे कि आप ये हिंदी का सेंटेंस देखें ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है यू कैन सी सेंटेंस इज सेंग सेंटेंस क्या कह रहा है वह फ्रेंच सीख चुकी थी यानी कि एक एक्शन है सीखने का जो कि पास्ट में कंप्लीट हो गया था तो यहाँ पे सीधा हमें पता लग रहा है कि ये जो एक्शन है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है और इसके लिए ये स्ट्रक्चर हमारी हेल्प करेगी इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए तो ये स्ट्रक्चर अगर हम अप्लाई करें अब इसको फॉलो करें तो क्या बनेगा सब्जेक्ट वह सीख चुकी थी दैट मीन्स शी इज़ अ गर्ल और सब्जेक्ट सबसे पहले है तो शी आ जाएगा एंड देन हैड प्लस वो थर्ड फॉर्म है तो uh, सीख चुकी थी हो चुका था इसके ही सिमिलर प्रेजेंट में एक टेंस आपको ध्यान होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था जिसमें हो चुका है काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है तो उसमें आपको ध्यान है कि उसमें क्या आया था उसमें हैज़ एंड हैव आए थे ना और हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है और यहाँ पर पास्ट में कोई काम हुआ है तो यहाँ पर हैज़ हैव नहीं यहाँ पर हैड आया है और हैड जो है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट्स के साथ हैड ही आएगा तो यहाँ पर ये भी टेंशन नहीं है या ये भी हमें सोचना नहीं है कि किड uh, सिंगुलर के साथ लगाना है कि प्लूरल के साथ क्योंकि इसमें एक ही चॉइस है और वो हैड है और वो दोनों ही तरह के सब्जेक्ट्स के लिए आता है तो हम सीधा हैड लगा देंगे शी हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म सीखना है सीखने को इंग्लिश में लर्न कहते हैं एंड लर्न की जो थर्ड फॉर्म है वो होती है लर्न लांट लर्न लांट लांट एंड देन देर इज ऑब्जेक्ट तो वह फ्रेंच सीख चुकी थी वह शी सीख चुकने को क्या कहेंगे हैड लर्नट और क्या सीखा दैट विल कम इन दिस कैटेगरी ऑब्जेक्ट तो वो फ्रेंच है ठीक है सो शी हैड लर्न फ्रेंच यानी कि वह फ्रेंच सीख चुकी थी उसने फ्रेंच सीख ली थी कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया था सो दैट कम्स इन दिस टेंस एंड इसका नेगेटिव बनाना अब तो आपको बिल्कुल आइडिया हो गया होगा कि नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा के और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड दैन वी विल अप्लाई नोट विद हैड एंड ये नेगेटिव बन जाएगा हैड नोट और हैडेंट विच इज़ अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हैडेंट सो उसने फ्रेंच नहीं सीखी थी या वह फ्रेंच नहीं सीख पाई थी या सीख चुकी थी पाई तो अलग बन जाएगा वो कुड आ जाएगा वो मॉडल्स की कैटेगरी में आ जाएगा एक बार हम बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस कर रहे हैं तो हम इसे पाई में तो एक इमोशन आ गया ना तो कुड आएगा वैसे बता दूँ मैं आपको लेकिन उसने फ्रेंच नहीं सीखी थी फ्रेंच नहीं सीख चुकी थी वो उस टाइम तो क्या बोलेंगे हैडेंट शी हैडेंट लर्न लर्न फ्रेंच एंड देन अगर आपको इसका इंटरोगेटिव बनाना है क्वेश्चन बनाना है क्या वह फ्रेंच सीख चुकी थी सो हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लगाते हैं सब्जेक्ट के आगे तो वो क्वेश्चन बन जाता है यू नो इट वेरी वेल एंड देन इट विल बिकम द क्वेश्चन हैड शी लर्न फ्रेंच ओके सो दिस इज द बेसिक्स दीज आर द बेसिक्स ऑफ पास्ट परफेक्टेंस कि कोई काम हो चुका था अब प्रैक्टिकली इसका जो यूज़ है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इस तरह से देखने को मिलेगा एंड फॉर देट आई हैव टेकन मैनी एग्जाम्पल्स किस तरह से क्योंकि ये जो एक्शन है पास्ट परफेक्ट पास्ट में कोई काम कम्प्लीट हुआ था ये जो पर्टिकुलर एक्शन है ये यूजअली इस तरह के सेंटेंसेस में आता है जिनमें हम दो एक्शंस के बारे में बात करते हैं कि ये हुआ इससे पहले ये हो चुका था आप देखिए एग्जाम्पल्स और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेज़ मिलेंगी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड एंड आई हैव टेकन सम एक्सरसाइज टू सो दैट यू कैन हैव प्रॉपर आइडिया तो आप देखिए कि जैसे ये एक सेंटेंस uh, है शी स्टेड अप ओल नाइट बिकॉज शी हैड रिसीवड बैड न्यूज़ ये क्या कह रहे हैं कि शी स्टेड अप वो पूरी नाइट वहीं रही स्टे किया उसने बिकॉज शी हैड अब स्टे किया तो उस स्टे करने से पहले ऐसा क्या हो गया दैट शी स्टेड अप ओल नाइट बिकॉज़ शी क्योंकि उससे पहले क्या हो चुका था बिकॉज़ वो रिसीव कर चुकी थी एक बैड न्यूज़ तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी Uh, कोई ऐसी बात हमें बोलनी हो जिसमें दो एक्शन हम बोलें कि ये काम हुआ या उससे पहले ये हो चुका था या ये होने के बाद उसका कॉन्सिक्वेंस उसका रिजल्ट ये हुआ तो इस तरह के सेंटेंसेस में जो बाद वाला एक्शन होता है एक दो एक्शन होंगे एक पहले होगा एक बाद में होगा तो जो पहले एक्शन हुआ वो प्रीवियस एक्शन है तो जो प्रीवियस एक्शन है वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा हो चुका था ना तो उसमें आपने हमेशा कैसे बोलना है उस एक्शन को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ और जो बाद में सब्सिक्वेंट एक्शन है उसका सब्सिक्वेंट एक्शन क्या है बैड न्यूज़ रिसीव करने के बाद शी स्टेड अप ऑल द नाइट तो यहाँ पे बाद में जो एक्शन होता है उसमें सिंपल पास्ट यूज़ होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है कि यह हुआ था ये हो चुकने के बाद ये हुआ था आर यू गेटिंग तो यहाँ पे ये देखो आप शी स्टेड अप ऑल नाइट बिकॉज शी हैड रिसीव्ड बैड न्यूज़ सेकेंड एग्जाम्पल देखिए टू मेक इट मोर क्लियर यू हैड स्टडीड इटालियन बिफोर यू मूवड टू रोम अब इसमें दो एक्शन हो रहे हैं इटालियन सीखी है पहले सीखी है बिफोर किससे पहले रोम जाने से पहले रोम बाद में गया है ना वो मूवड टू रोम तो यहाँ पे बाद में सब्सिक्वेंट एक्शन में क्या है मूव की सेकेंड फॉर्म लगाई है और जो पहले इटालियन सीखी है उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म में आप देख सकते हैं सो आई होप दैट नो आइडिया इज मोर क्लियर टू यू कि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का ज़्यादातर यूज़ हम किस तरह की बातों में करते हैं और हमें दो एक्शन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है जो पहले होता है वो हो चुका होता है एंड इसीलिए उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है और बाद वाले में ओनली वब की सेकेंड फॉर्म आता है क्योंकि वो होता है वो, वो हुआ था उसके बाद वो हुआ था सो थर्ड एग्ज़ाम्पल यू सी शी हैड मेट हिम बिफोर द पार्टी पार्टी से पहले क्या हुआ वो मिल चुकी थी उससे शी हैड मेट मीट की थर्ड फॉर्म मैट होती है मीट मैट मैट तो यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म आई बिफोर पार्टी से पहले कुछ हुआ किसी एक्शन से पहले या किसी इवेंट से पहले कुछ एक्शन हुआ देन हो चुका था हुआ था हो गया था एंड देन द लास्ट सेंटेंस यू सी शी हैड लेफ्ट हर ऑफिस व्हेन ही केम तो जब वो आया उससे पहले she had left her अब यहाँ she left her ऑफिस नहीं बोल सकते क्योंकि दो एक्शन एक साथ आ रहे हैं एक तो उसके आने का आगमन का है और एक जो गर्ल है शी इज़ गोइंग शी इज़ लीविंग द ऑफिस सो when सपोज बॉस है सो so when बॉस केम तो बॉस आए उससे पहले शी लेफ्ट शी लेफ्ट नहीं शी हैड लेफ़्ट सो शी हैड लेफ़्ट बोलेंगे तभी सेंस क्लियर होगा तभी पता चलेगा कि बोस बाद में आए और उसने पहले लीव किया नहीं तो कुछ और ही बन जाएगा बात कुछ और सेंस निकलेगा कि शी लेफ़्ट यानी कि वो बाद में गई है बॉस पहले आए हैं तो इसको बिल्कुल क्लैरिटी से बोलने के लिए शी हैड लेफ्ट हर ऑफिस वैन ही केम इससे सीधा सेंस ये पता लग रहा है कि आना बाद में हुआ और द गर्ल लेफ्ट हैड लेफ़्टर ऑफिस सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंस पास परफेक्ट टेंस अब देखो एक्सरसाइज में किस तरह से हम इसको यूज़ uh, करेंगे और कॉम्पिटिटिव uh, एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सो यू सी द फर्स्ट एग्जाम्पल वैन शी वेंट आउट टू प्ले जब वो खेलने गई उससे पहले वो ऑलरेडी होमवर्क अब ऑलरेडी है ना ऑलरेडी तो यानी कि ऑलरेडी हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि उसने होमवर्क पहले किया है और बाद में वो खेलने गई है अब ये सीधा सा है कि और एक और इंडिकेशन आप देखिए ये जो वैन लगा के जो ये पूरा सेंटेंस बन रहा है ना तो इसमें दो एक्शन हो रहे हैं उसके जाने का और होमवर्क करने का है ना डू यहाँ पे हमें फिल करना है कि अब हम आ, आ, क्या करें यहाँ पे शी डिड हर होमवर्क या शी हैड डन हर होमवर्क तो आपको पता है कि दो सेंटेंस में दो एक्शन होते हैं तो जो पहले जो बाद में होता है उसमें वो आपकी सेकेंड फॉर्म आती है है ना और जो पहले होता है उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो यहाँ वेंट आ चुका है यानी कि खेलने वो बाद में गई है तो यानी कि पहले होमवर्क हुआ है और ऑलरेडी भी इंडिकेट कर ही रहा है हमें यहाँ पे ओके सो वट विल कम हेयर शी हैड शी हैड ऑल रेडी ऑल रेडी डन डू की थर्ड फॉम डन हर होमवर्क सो ये यहाँ पर हमने यूज़ करना है ओके okay? सो so, इस तरह से ये एप्लीकेशन है द नेक्स्ट एग्जाम्पल यू सी द वेटर ब्रॉट ड्रिंक वेटर ब्रॉट अब एक बार एक बार सेकेंड फॉर्म आ गई पहली बार तो यहीं से इंडिकेशन हो जाना चाहिए द वेटर ब्रॉट ड्रिंक पहले ऑर्डर होता है फिर कोई आ, चीज़ लाई जाती है वेटर के द्वारा तो वो कह रहे हैं कि आई नोट ऑर्डर आई नोट ऑर्डर यहाँ पर आप क्या करेंगे आई नोट आई डिंट ऑर्डर आएगा या आई हैड नोट ऑर्डर्ड आएगा आई हैड नोट ऑर्डर्ड आएगा ना क्योंकि यहाँ सेकेंड फॉर्म आ चुकी है वेटर जो है वो बाद में ड्रिंक लाया है दे वेटर ब्रॉट ड्रिंक दैट आई हैड नोट ऑर्डर्ड हेड के बाद आपको पता ही है थर्ड फॉर्म आती है ना तो ऑर्डर ऑर्डर की थर्ड फॉर्म ऑर्डर आ जाएगी सो दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल नाउ यू कैन सी द थर्ड वन द थर्ड वन इज आई कुड नॉट रिमेंबर द पोएम आई कुड नॉट कुड नॉट ये कैन की सेकेंड फॉर्म है और वे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ चुकी है विदाउट एनी हैड यानी कि उसे पोएम याद नहीं है और कोई चीज़ याद कोई चीज़ हम भूल जाते हैं याद करने के बाद ही भूलते हैं ना सो so वो याद नहीं कर पा रही है यानी कि उसने लर्न की थी आई कुड नॉट रिमेंबर द पोएम पहले उसने लर्न की थी द वीक बिफोर वैसे भी वीक बिफोर जो एक्शन हुआ है और ये रिमेंबर वाला बाद वाला एक्शन है सो so, पहले वाले एक्शन में आप सीधी सी बात तो ये याद कर लीजिए कि दो एक्शन में जो पहले एक्शन हुआ है उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि वो ये इंडिकेट करता है कि ये काम हो चुका था उस काम के होने से पहले यानी कि मैं मैंने जो याद किया था आई हैड नो जो मैंने याद किया था वो मैं याद अब अब रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ आई कुड नोट रिमेम्बर द पोएम वी हैड हैड लर्न द वीक बिफोर एंड द लास्ट एग्जाम्पल यू सी है द लास्ट एग्जाम्पल इज ही फोन और फिलअप है फिर एंजल बिफोर ही वेंट टू सी हर इन लंडन ही वेंट टू सी हर इन लंडन यानी कि बिफोर उससे पहले उसने किया क्या है बाद में वो लंडन गया उसको देखने तो वो भी उससे पहले एंजल को उसने फ़ोन किया है अब जो फ़ोन करना है फ़ोन पहले किया है सो so, ये क्वेश्चन है आप थोड़ा आइडिया लगाइए और ऊपर हमने क्वेश्चन बनाया था तो हैड से क्वेश्चन बन कैसे बना था हैड से क्वेश्चन क्या बना था हैड शी लर्न फ्रेंच तो वैसे ही ये क्वेश्चन है कि हैड ही फ़ोन्ड क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हैड प्लस फॉर्म तो आएगी उसके बाद क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ही हैड फोन्न एंजल अगर हम या, आप कहो कि मैम सीधा ही लिख दो कि ही हैड फोन्ट ही हैड Font. ठीक है ये फ़ोन की थर्ड फॉर्म है ही हैड फ़ोन्ड एंजल बिफोर उसने फ़ोन किया था ए, एंजल को उससे पहले कि वो लंदन गया उसे देखने तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क ये कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन बनेगा तब जब हम ही हैड फोन ना बोल के इसको हैड ही फोन बोलेंगे और हैड क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले लगाएंगे देन ओनली इट विल गिव अस एन इम्प्रेशन और सेंस ऑफ क्वेश्चन दैट्स वाई हैड ही फोन क्या फ़ोन किया था एंजल को बिफोर ही वेंट टू सी हर इन लंडन सो आई होप डैट कि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इस पर्टिकुलर टेंस पास परफेक्ट टेंस की क्या एप्लीकेशंस है एक तो कोई काम हो चुका होता है ये हो गया था जब आपको कहना है पास्ट में तो आपने हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है और जब दो एक्शन आए और उसमें जो पहले एक्शन हो उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी और जो दूसरा एक्शन उसमें भी ध्यान रखना है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी कि पहले ये हुआ था एंड देन सेकेंड फॉर्म वेंट या जैसे कि इसमें वेंट आया है इसमें कुड आया है ब्रॉट है ना वेंट आउट एंड दिकेंड वन किसने लिया है फिर हेड प्लस थर्ड फॉर्म ने लिया है पास्ट परफेक्ट टेंस ने लिया है सो so, दिस इज़ पास परफेक्ट टेंस अब पैसिव बनाते हैं रिवर्स में बात करते हैं इसी टेंस को ये जो हमने इस टेंस में एक्टिव वॉइस में तो बात कर ली एक्टिव वॉइस में बात करने का मतलब जब सब्जेक्ट एक्टिव है जिसमें हमने ये बनाना सीखा कि शी हैड लर्न फ्रेंच ये एक्टिव वॉइस है ना मैं फ्रेंच सीख चुकी थी शी जो सीखा है जिसने वो फर्स्ट नंबर पर है दैट मीन्स इट इज़ एक्टिव वॉइस अब इसको पैसिव में बनाने के जो फाइव रूल्स आई होप कि आपको अब तो बिल्कुल याद हो गए होंगे ना तो जो वो फाइव रूल्स हैं वो रिकॉल कीजिए उसमें फर्स्ट स्टेप uh, क्या था फर्स्ट स्टेप था कि जो ऑब्जेक्ट है हम पैसिव बनाने जा रहे हैं हम रिवर्स बात को रिवर्स में बोलना या सीख बोलना या लिखना सीख रहे हैं तो ये जो बात है क्या है शी हैड लर्न फ्रेंच वो उसने फ्रेंच वह फ्रेंच सीख चुकी थी अब हिंदी में कैसे बोलेंगे फ्रेंच उसके द्वारा सीखी जा चुकी थी हिंदी में तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए फ़ाइव रूल्स आपने याद कर लिए होंगे जो कि प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से बताए जा चुके हैं फाइव स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप क्या है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे वर्ब के जस्ट बाद क्या है फ्रेंच है फ्रेंच को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो फर्स्ट प्लेस पर फ्रेंच आ जाएगा सेकेंड जो स्टेप है सेकेंड स्टेप क्या है सेकेंड स्टेप है कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी ठीक है हेल्पिंग वर्ब आएगी जो सेंटेंस है उसको देखते हुए जो जिसका हम एक्टिव जिस एक्टिव का हम पैसिव बना रहे हैं उसको देखते हुए हेल्पिंग वर्ब आएगी अब जो एक्टिव है उसमें हेल्पिंग वर्ब हैड हैड है ठीक है हैड जो है वो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है यानी कि हेल्पिंग वर्ब और हैड में ऐसा नहीं है कि हमें कोई चॉइस करनी है जैसे हैज़ हैव में हम चॉइस करते थे कि हैज़ हैव आएगा जब हम फाइनली ये डिसाइड कर लेते थे कि ठीक है हैज़ हैव में से कोई एक लगेगा तो हैज़ आएगा कि हैव आएगा इट वाज डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट लेकिन यहाँ हैड है तो हैड हैड, हैड के साथ चॉइस वाली कोई बात है नहीं क्योंकि हैड जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी आता है और प्लूरल के साथ साथ भी आता है तो फ्रेंच के साथ सेकेंड स्टेप कहता है कि कोई ना कोई हेल्पिंग अब आएगी और वो एक्टिव में गिवन है एंड वही आएगी दैट इज़ हैड तो फ्रेंच हैड और जब भी हैज हैव हैड एक्टिव वॉइस में होता है तो उनके आगे बीन आता है दैट यू हैव टू लर्न और वो हमने प्रैक्टिस भी की है इसकी सो हैज़ हैव हैड के बाद पैसिव वॉइस में बीन लगाना है फिर जो थर्ड स्टेप था वो था कि वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो इसमें मेन वर्ब है वो लर्नट है और इसमें ऑलरेडी वो थर्ड फॉर्म में है तो यहाँ पर ईजिली हमने लर्नट ही लिख दिया क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ऊपर ऑलरेडी हेड है, के बाद आती ही है एंड इन पैसिव ऑल्सो द थर्ड स्टेप इज थर्ड फॉर्म एंड द फोर्थ स्टेप इज बाय बाय आता है किसके द्वारा की, सीखी गई एंड द लास्ट वन इज सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना तो सब्जेक्ट शी को हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो वो हर बन गया सो दिस इज हाउ वी हैव कन्वर्टेड this active voice she had learned french french had been learned by her French had been लर्नड by her. आपने कैसे सीखा पैसिव वॉइस के पाँच स्टेप्स को फॉलो करके ओके अब इसको नेगेटिव बनाना है तो कोई बड़ी बात नहीं है हैड के बाद हेल्पिंग के बाद नोट लगाना है देन इट विल बिकम नेगेटिव कि फ्रेंच उसके द्वारा नहीं सीखी गई थी फ्रेंच हैडन बीन लर्नड बाय हर एंड इफ यू वॉन्ट टू मेक इट्स इंटरोगेटिव आपको इसका क्वेश्चन बनाना है देन यू जस्ट कीप दिस हैड एट फर्स्ट प्लेस हैड फ्रेंच बीन बाकी सब एज इट इज रहेगा लर्नड बाई हर क्या उसके द्वारा फ्रेंच सीखी गई थी सो दिस इज़ अ क्वेश्चन सो ये है पैसि पास्ट परफेक्ट टेंस का एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड वी आर गोइंग टू बिगीन आर नेक्स्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तो हमने अभी तक पास्ट परफेक्ट टेंस किया उसकी एप्लीकेशंस और उसको एक्सरसाइज में किस तरह से उसके क्वेश्चन आते हैं दैट वी हैव सीन एंड फ्रिक्वेंटली बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए वो एक्सरसाइज पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पे uh, आपको शो की कि किस तरह से आपने इस पर काम करना है एंड देन वी लर्नट दैट कि हमने एक्टिव वॉइस का पैसिव कैसे बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में नाउ लेट्स बिगिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस किया है पार्ट सेकेंड में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस जो क्या कहता क्या कहता था ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था यानी कि कोई चीज़ परफेक्ट भी और कंटिन्यूस भी है और अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या बताया गया था कि <laughs> कि कोई एक्शन पर्टिकुलर टाइम पे शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है और ये है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस यानी कि कोई काम एक स्पेसिफिक टाइम पर शुरू हुआ था और चल रहा था हम ज़्यादातर स्टोरीज या पास्ट टाइम की कोई हम कहानियाँ कथा कहानियाँ बताते हैं तो, तो हम ऐसी बातें करते हैं ना कि वहाँ पर चार साल से घर बन रहा था वह वहाँ पर दो साल से जॉब कर रहा था तो इस तरह की बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमारी हेल्प करेगा पास्ट परफेक्ट टेंस कोई काम एक पर्टिकुलर टाइम पे शुरू हुआ था और वो हो रहा था सो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर फॉर दिस We will follow the structure and will convert this, we will translate this Hindi sentence into English with the help of this tense, past perfect continuous tense. So let's see, कैसे इसको करेंगे? आप structure को follow करते जाइए. पहले subject है वो लिख रहा था. तो लिख रहा था मतलब वो he है. So वह के English he. And then क्या है structure में? Had been. Then we have uh, written here had been. हैड बिन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने का काम है लिखने को इंग्लिश में कहते हैं राइट और राइट के साथ जब आई एन जी लग जाता है तो वो राइटिंग बन जाता है सो ही हैड बिन राइटिंग उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो वह है, है ना वह है लिख रहा था कि भी हमने इंग्लिश बना ली अब 2017 से एक नोवल है ना 2017 से तो जो ये जो टाइमिंग है ये टाइमिंग के लिए अलग से आपको स्ट्रक्चर में स्पेस दिया हुआ है ना तो टाइमिंग तो ये इस इस प्लेस पे आएगी टाइमिंग को अगर हम निकाल दें तो बचता है एक नोवल और वही हमारा ऑब्जेक्ट है इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो इस तरह से यहाँ पर ये अ नोवल ठीक है राइट यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ही हैड बीन राइटिंग अ नोवेल अब सिंस और फोर का भी मैंने आपको डिस, आपसे डिस्कस किया था कि सिंस कब आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एग्जैक्ट टाइम का नेम दिया हो कि पर्टिकुलर टाइम क्या है एग्जैक्ट टाइम क्या है ड्यूरेशन ना हो कोई ऐसा पीरियड ना हो और पीरियड हो तो पीरियड ऑफ टाइम हो तो फोर आता है ठीक है दो दिन चार साल दो घंटे वी डोंट नो एग्जैक्टली कितने बजे कौन सा टाइम कौन से ईयर में सो so, तब वो उस केस में फ़ोर आता है और जब बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है तो सिंस आता है और यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम ही दिया है कि पर्टिकुलर ईयर का नेम दे दिया है टू थाउजेंड सेवेंटीन सो दैट्स वाई हम सिंस को चूज़ करेंगे तो सिंस 2017 तो यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो गया है ही हैड बिन राइटिंग अ नोवल सिंस 2017 ओके दिस इज हाउ यू कैन ट्रांसलेट सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश किस तरह के सेंटेंसेस जब कोई काम पर्टिकुलर टाइम पे शुरू हुआ था और हो रहा था नेगेटिव बनाना बिल्कुल ईजी है हेट के बाद नोट लगा दीजिए ही हैडेंट बीन राइटिंग अ नॉवल सिंस टू और क्या वह नोवेल लिख रहा था 2017 से तो हेड को उठा के फर्स्ट प्लेस पे रख दीजिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आ, आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं ज़्यादातर आपको ये रियलाइज़ भी हो गया होगा अब तक कि ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट है वो हेल्पिंग वर्ब से ही होते हैं और हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे करके हम उसका प्रेजेंट भी बना सकते हैं पास्ट भी बना सकते हैं और प्रेजेंट में जो वेरिएशनस हैं उनको भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं सो ये हम जब लास्ट में चार्ट डिस्कस करेंगे टेंस का चार्ट तो आप देखना कि किस तरह से सिर्फ आपको फोर ही स्ट्रक्चर्स लर्न करनी है याद आपको सारी ये नहीं करनी है टोटल कितनी है ये ट्वेल्व है टोटल ट्वेल्व में आपको सिर्फ चार लर्न करनी है और चारों फिर चार के बाद उनमें थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन आप करते जाइएगा और आपको सारी ट्वेल्व लर्न हो जाएगी बस आपको क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि कौन से टेंस का यूज़ कहाँ करना है कहाँ पे करना है अगर आपने गड़बड़ कर दी रहा था वाले बोलना था रहा था और आपने ता था बोल दिया और जो वो बोल और कहीं पे आप जैसे कि मोस्टली आईएनजी ही यूज़ किया जाता है तो आईएनजी एन पर्टिकुलरली रहा था रहा है के लिए होता है कंटिन्यूटी के लिए होता है तो वो अलग चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे एक बिल्कुल एक लास्ट वीडियो स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए रखी जाएगी जिसमें जो कन्फ्यूज होते हैं प्रोबेबिलिटी uh, होती है कि यहाँ कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं उसके बारे में डिस्कशन की जाएगी तो अभी तो आप बिल्कुल बिल्कुल फ्री माइंड होकर बिल्कुल आप सिंपल स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दीजिए बेसिक्स विल बी क्लियर देन यू विल हैव नो टेंशन आप बिल्कुल कॉम्प्लेक्सिटी में आराम से जा चले जाएंगे आपका बिल्कुल ये जो बेसिक कंसेप्ट है इन्हें आप अच्छे से पकड़ लीजिए दे यू शुड हैव प्रॉपर ग्रास्प ओवर दैम देन ओनली यू कैन प्रोसीड फर्दर आर यू गेटिंग सो so, आप बिल्कुल ध्यान से इन्हें करिए और प्रैक्टिस आपको करनी है डेली यू हैव टू तो राइट वन पेज वन और टू पेजेस ऑन ईच सेंटेंस और ईच टेंस जित जो भी टेंस डेली होते हैं उन पे एक एक दो दो पेजेस आप डेली लिखना शुरू कर दीजिए then only you will get benefit of these all discussions okay so ये हमारी बात हुई past perfect continuous की ये active में है active uh, voice में है क्योंकि subject जो लिख रहा है वो first place पे ही है अब इसका जो passive है जैसा कि present perfect continuous tense के लिए modern English कहती है वैसे ही past perfect continuous tense के लिए modern English कहती है कि there is uh, no passive there is no passive of these टेंसेज जो कि परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं ना उनका कोई पैसिव नहीं है इनको हम रिवर्स नहीं बोल सकते इंग्लिश में बट जैसा कि आपको पता है कि ये लैंग्वेज है ना लैंग्वेज फ्लैक्सीबल थोड़ी रहे वैसे तो इंग्लिश इज़ द मोस्ट फ्लैक्सीबल लैंग्वेज बट देन टू एक बिल्कुल रिजिड या पर्टिकुलर ग्रामेरियन की नज़र से देखें तो परफेक्ट कंटीन्यूज का नहीं है अभी तक नहीं पॉसिबिलिटी और माइकल स्वान का हमने जिक्र किया था प्रेजेंट uh, जब प्रेजेंटेंस किया था कि माइकल स्वान ने अपनी बुक प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ इंग्लिश में पेज नंबर 458 पर ये uh, उन्होंने मेंशन किया है ही इज़ वन ऑफ द फेमस ग्रामरियंस इन्होंने मेंशन किया है कि इफ़ रिक्वायर्ड देन यू कैन राइट बींग जो ये uh, जब आपको अगर इफ़ रिक्वायर्ड ही हैज़ गिवन दिस पॉसिबिलिटी ओनली अदरवाइज एवरीबडी विल नॉट एक्सेप्ट योर सच टाइप ऑफ पैसिव इन इंग्लिश किस किस केस में पैसे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब परफेक्ट कंटिन्यूस हो और आपने इस तरह का परफेक्ट कंटिन्यूस का आपने पैसिव बना दिया हो तो देखिए पॉसिबिलिटी माइकल सवान की भी देख लेते हैं कोई बात नहीं तो यहाँ पे बस वही काम हुए हैं कैसे क्या किया है पांच स्टेप्स आपको याद ही है तो वही ही हैड बिन राइटिंग अ नोवेल सिंस 2017 तो अ नावल सब फर्स्ट स्टेप क्या है फर्स्ट स्टेप पैसे बनाने का ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट है ना तो ऑब्जेक्ट अ नो, नोवल है अ नोवल को पहले नंबर पे लिख दिया फिर सेकंड स्टेप क्या है कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड बीन तो हैड बीन आ गया वो हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आपको एक्टिव वॉइस में आईएनजी दिख जाता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाना है बींग लगाना है और वही बींग माइकल्सन ने कहा कि परफेक्ट uh, कंटिन्यूज में माना कि बीन होता है अब बीन के साथ बींग आप लगा दीजिए इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड और उसके बाद जो फोर्थ स्टेप था थर्ड स्टेप था जो फाइव स्टेप से मैंने आपको बताए हैं उसमें जो थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप था वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है राइट राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न आ जाएगी फोर्थ स्टेप था बाय बाय वी हैव अप्लाइड एंड देन व्हाट विल कम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है ही तो ही को आपने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो हिम बन गया एंड वट विल बी लेफ्ट दैट विल बी एज इट इज सिंस टू सो दिस इज वट और दिस इज हाउ वी हैव कन्वर्टेड दिस एक्टिव वॉइस इन पैसि वॉइस अकॉर्डिंग टू माइकल्सवानस स्टेटमेंट ऑन पेज नंबर फोर फिफ्टी एट इन प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ इंग्लिश टाइटल uh, में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज भी हो सकता है सो so, वेल well, ये था आज का हमारा पास टेंस कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने पास परफेक्ट टेंस एंड पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट कर लिए हैं आज विद इट्स पैसिव वॉइस एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्यूचर टेंस अप टू दैट यू हैव टू प्रैक्टिस And uh, daily uh, keep on practice then only you will be able to have uh, uh, I can say a good level of grasp over this and uh, it demands practice really. It, it doesn't happen in overnight. You say that we will uh, do it. You need a lot of practice. सो प्रैक्टिस हेज़ नो ऑल्टरनेट और डेली आप कीजिए प्रैक्टिस थोड़े से टाइम से कुछ नहीं चलने वाला सो आई होप दैट यू विल फॉलो ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस एंड सो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू फॉर नाउ